स्वागत है तुसे सारे दा मेरी डोगरी चैनल पर ते मैं यहाँ ललिता मनास। अज मैं तुसे कन्ने शेयर करन लगी हाँ कि घर अस मलाईदार रबड़ीदार घनी जी बड़ी स्वादली जी खीर कियां बनाई सकने हैं। बड़ा आसान है इसी बनाना, पर तुसे जेड़े मैं टिप्स ते ट्रिक्स दसो वह ध्यान च रखिए, उस हिसाब कन्ने बनागे तो तुसे दी खीर जेड़ी है बड़ी स्वादली बननी। तो चलो दिखी लैने इसी कियां बनाना है। इतना ही चाहिए सानू चौल, मैं लेने थे बासमती चौल। तुसें ध्यान रखना चौल तुसें ज़्यादा नहीं लेने हैं, एक किलो दुध ताई केवल 2 टेबल स्पून चौल जी। ये बड़ी खास गल है, चौल ज़्यादा नहीं लेने। कई जनानियां बड़ियां कटोरियां भरी भरी है दुद्ध च खीर बनांदियां, कटोरियां दे हिसाब कन्ने लेना, चमचे लेने चमचे बस 2 चम्मच 2 टेबल स्पून घट बेशक लियो 1.5 टेबल स्पून ले लियो, पर ढाई नहीं करियो। इसी सेड़ी लेना, उसी सेड़िए भी घंटा एकर कोई रखी लेना, अद्धे घंटे को ज़्यादा रखो तो ठीक है। 1 किलो दुध ले लेना, उसी असें बोलने ताई रखना। तो दुध जिहदे च बोलना वह भी भांडा सानू भारा चाहिए, इं नहीं कोई पतला जिहा भांडा जां कड़ाई नहीं चाहिए है, खुला मूँह वाली होवे ते कन्ने भारी होवे जिहदा तला भारा होवे, ताकि जिल्ला अस बनाईए खीर ते खीर साड़ी थल्ले नहीं लगे, दुध सड़ी नहीं जा थल्ले। तो ये ताई चाहिए होंगे खुला भांडा, खुला भांडा ता कि दुध जड़ा साड़ा जल्दी वैपोरेट होया तो जल्दी सुकै तो खीर भी उन्नी जल्दी बनती। इं जल बोला आई जा तो मलाई जी है असें मलाई लैनी, जिन्ने बारी भी मलाई उपर आग असें दुधा कन्नै मलाई लैनी। ये मलाई ने गै साढ़े दुध की भी गाढ़ा करना तो स्वादली भी बनानी। फिर असें पाई लैने चौल, चौल जड़े अद्धा घंटे को घट नहीं बद बेशक तुस उसी सेड़िए रखो, क्योंकि जिन्ना सेड़गे उन्ने सॉफ्ट हो जाएंगे तो जल्दी दुद्ध च गली जाएंगे, तो उन्ने मिली भी जाएंगे दुद्ध कन्नै तो खीर शैल मलाईदार बनू। तो कन्नै असें इसी लांदे रहना तो साइडें पर इं जो भी दुद्ध जमे दा होग वह कन्नों कन्नी लुआंदे जाना। जे ज़्यादा देर जमया रहोग तो परतां जमदिया रहनियां, उत्थें फिर धोने भी मांजने भी कठिनाई होनी, कन्नै साड़ा दुद्ध उत्थे सड़दा भी रहना। तो इं कन्नों कन्नी लुआंदे जाना, तो लाना बहुत जरूरी है खीर की, खीर की बगैर लाए नहीं छड़ना, इं थोड़ी देर तक छड़ो भी तो बड़ा घट छड़ना, तो बार बार लाते रहना। आस्ता आस्ता खीर साड़ी है जी गाढ़ी होंगी जानी है, बस थल्ले नहीं लगन देनी खीर, जो थल्ले लगेगी तो बेस्वादी हो जानी। तो जिन्ने चिर खीर गड़का दी है मैं दसी लैनी हूँ तुसें गी, बिच असें ड्राई फ्रूट पाना। तो ड्राई फ्रूट तुस अपनी मनपसंद का पाई सकते हो, कन्नै इलाचियां ले लियां मैं जिन्हें की छिली है तो मैं बी कुटी लैने हैं। जे तुस बाजारा दे लै दे तो पाउडर पाई सकते हो, नहीं तो सिक्कड़ जिहड़े मूँह च आते ना स्वाद नहीं लगते। तो मैं खाली बी लैने, कन्नै लैने चीनी, चीनी भी अपने स्वाद कन्नै, खंड पानी तो ड्राई फ्रूट भी जिहड़ा अपनी मनपसंद का तुस ले सकते हो। तो बिच बिच असें इं लाते रहना खीर की, हूँ देखो पहले दुद्धे साढ़े चौल लभद भी है नहीं, हूँ आस्ता आस्ता चौल भी लभन लग पे, इं आस्ता आस्ता गाढ़े होंगे जाना, क्योंकि मैं ता दसा दी चौल तुहेंगी कि चौल घट लैने, ज़्यादा चौल लगे तो खीर स्वादली नहीं बननी है, वह तो इं हो जाना जो दुद्ध भत्त पाया हों, बिल्कुल खीर का स्वाद नहीं आना। जे खीर का सही स्वाद लैना तो चौल घट पाने, 1 किलो दुद्ध केवल 2 टेबल स्पून चौल इं लाते जाना। तो असें इसी गाढ़ा अदू तकर करना जद तक कि बिल्कुल रस मिली जान, चौल जड़े न होई जान गाढ़े हो जान बिल्कुल। ये देखो इं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी लाते रहना और आस्ता आस्ता दुध गाढ़ा होने लग पे, बस लाना बहुत जरूरी है। इतने देखो बुलबुले आने लगे पे दुद्धा के उपर, खीर साड़ी हूँ बस बनने वाली है, थोड़ी जी कसर रह गई है, इसी थोड़ा जहा और गाढ़ा करना है। ये देखो साड़ी खीर जड़ी है हूँ गाढ़ी हुई गई है, असें ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे दिखा जाते, चलते फिरते तुम इसी लाते रहो थोड़ी थोड़ी देर बाद तो खीर बनिया तैयार हो जाती है। इं साइडें उपरू कन्नों कन्नी लुआंदे जाना बहुत जरूरी है। हूँ देखो किन्नी गाढ़ी हो गई है, ये चौल भी देखो किन्ने लगा दे, जे ये कटोरी भरिए पाई ओड़ते तो की बनना है, तो बिल्कुल 2 चमचे कन्नै भी चौल किन्ने हो गए ने। इसी मनपसंद जिन्नी पतली तुस रखना चाहो, जे तुसें ठंडी खानी है तो थोड़ी ज़्यादा पतली रखनी है, जे तुसें गर्म खानी है तो थोड़ी जी ज़्यादा घनी कर सकते हो।
जे बाई चांस तुसे कोलों ज़्यादा कनी होई जा तुस पतली रखना चाहते हो थोड़ा जिहा गर्म करिए दुध मिलाई सकते हो। कच्चा दुध नहीं पाए होया जां ते पहले दा उबले दा होया दुध जिहड़ा ठंडा होया दा ओह पाई लियो, जां जे गर्म के होगा खीर ते गर्म करिए दुध पाई लियो, ते जे कनी पतली है तो थोड़ा जिहा होर गड़काई लियो। ते फिर असें इहदे च पाई लैने हुण जिहड़े ड्राई फ्रूट वगैरह है जां खंड वगैरह, तो इतने पाई लैने अस ड्राई फ्रूट अपनी मनपसंद के तुस पाई लियो। मैं पाए दे इतने बदाम कट्टे दे जेडे मैं कट्टी ले टुकड़े च, कन्ने मैं पाई ले काजू। तुस इहदे च और पिस्ते वगैरह भी पाई सकते हो, सौंगी वगैरह भी पाई सकते हो। सौंगी जे तुसें एक दो दिन के बाद तकर भी खानी है खीर तो सौंगी नहीं पायो। मैं अज नहीं खानी है तो मैं सौंगी हटाई दे दें, क्योंकि सौंगी पाए दे की होंगे खीर खट्टी हो जाती जे पई रवे तो, ते सौंगी ताइयां पानी जे उस वेले तुसें खाई लेनी। ते इत्थे मैं लिए खंड, खंड भी तुसें अपनी मनपसंद करना खानी है। जे ठंडी खीर खानी है तो चीनी जिहड़ी है ना खंड वो थोड़ी जी ज़्यादा होनी चाहिए, ते जे गर्म खाओ तो थोड़ी घट पाओ। तो चीनी बहुत ज़्यादा भी नहीं पानी, कई बार की होंगे बहुत ज़्यादा चीनी पई जा तो गलेगी भी लगती है। तो हुण इसी रलाई लैना, देखो किन्नी घनी हुई है साड़ी खीर बनी है, बिल्कुल तैयार है, मुँह च पानी आवा दा है। तुस भी इसी ट्राई जरूर करियो ते मिगी जरूर दस्यो भाई कनेही बनी है। और इत्थे मैं लाचियां पाई ले, लाची दाना इसी भी रलाई लैने, इहदी भी खुशबू बड़ी शैल आई सकदी आई जांदी है। ते जे तुस इहदे च केसर पाना चाहो केसर भी पाई सकते हो। हुण असी इसी कर लैना सर्व, डिश आउट कर लैने आ अपने मनपसंद भांडे च। देखो किन्नी घनी बनी है। जे तुसें इसी ठंडा खाना है तो इसी थोड़ा जहा पतला रखियो, पतला जा घना तो तुस बाद भी करी सकते हो, उहदे च कोई परेशानी नहीं है। जे घना होई गया तो थोड़ा जहा दुध पाई लो, जे पतला है तो थोड़ा जहा गड़काई लो। लो जी साड़ी मज़ेदार खीर बनिए तैयार है। तुस भी इसी ट्राई करो, बनाओ ते खाओ ते खिलाओ। खीर का रंग भी देखो किन्ना शैल निकली आया, इं लगा था सुनहरी सुनहरी जहा जियाँ कंडेंस मिल्क च बनाया दा हुंदा है, पर कंडेंस मिल्क च बनाया दा नहीं है, स्वाद इ'यां गांदा है जियां कंडेंस मिल्क च बनाया दा हुंदा है। तुस भी इसी जरूर ट्राई करो। ते जल्दी मिलनी आ अपनी अगली रेसिपी च और कोई चंगी जी रेसिपी लेइयै। पर मेरे चैनल गी सब्सक्राइब करियो, ते कन्नै अपने दोस्तें गी फैमिली च सारे कन्नै शेयर भी करियो। ते जल्दी मिलनी आ अपनी अगली रेसिपी च, अदूं तक जय देव।